Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 5, the 100 dresses, part 1. So let's start. Before you read, how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? तो जो लोग इसमें ये कह रहे हैं कि आप अपने आसपास जो लोग होते हैं उन्हें कैसे जज करते हो, उनके पैसे, उनके वेल्थ, मतलब उनकी लाइक जायदाद कितनी है, उनके पास क्या कुछ है, ये देख के, या इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ होती है जो एंड्योरिंग, मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग, ऐसी कोई चीज़ भी होती है जो आप नोटिस करते हो. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज बाय हर क्लासमेट. वांडा पेट्रोंस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वे. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीटेड हर? सो ये एक स्टोरी है, एक काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है, काफ़ी सेंसिटिव है. तो इसके अंदर एक लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की, जो पॉलिश गर्ल है, मतलब पोलैंड की है वो बेसिकली, और वो अमेरिका में रहती है और अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ उनके स्कूल में जाती है. और वो जो उस चिल्ड्रन है वो उसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, वो काफ़ी उसे अलग ट्रीट करते हैं. हम देखते हैं कैसे. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट. अब इस पैराग्राफ में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो ये स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता लग जाए कि क्यों. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट. पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी मतलब पोलैंड की, पोलैंड में रहने वाले लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनकी कम्युनिटी, मतलब उनका एक ग्रुप, मतलब ऐसे होता है ना, सोसाइटी होती है कि वहाँ पे एक टाइप के लोग रहते हैं, वैसे लोग अमेरिका में, उनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. तो जो पहला पॉलिश पर्सन, पॉलिश मतलब पोलैंड का, पोलैंड पर्सन जो अमेरिका में आया था वो कब आया था, 1608 में. पर लार्जेस्ट वेव मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ आना कब शुरू हुई थी, अर्ली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में. व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स इमिग्रेटेड, जब मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा पोलैंड के लोग वहाँ आए. द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी. सो जो वहाँ पे पोलिश स्टेट नहीं था, मतलब पोलैंड के लोग थे उनके लिए कोई जगह नहीं थी, तो उन्हें जहाँ से वो आए हैं उसके हिसाब से उन्हें बांटा गया, आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये आए कहाँ से हैं. दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, मतलब ये रशिया के हैं, ये जर्मन के हैं, और ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू द वर्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. सो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है पॉलिश लोगों का, वो कहाँ पे है, शिकागो में है. और वो शिकागो इतना बड़ा पॉलिश कम्युनिटी है कि वो वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश कम्युनिटी है, सिटी है, पॉलिश सिटी है. फर्स्ट कौन सा है, वर्सा है, जो पोलैंड का कैपिटल है. वर्सा पोलैंड का कैपिटल है और सेकंड लार्जेस्ट शिकागो. पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूइश. सो जो पॉलिश अमेरिकन है उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उन्हें अलग थलग रखा जाता था, भेदभाव किया जाता था उनसे, क्योंकि उन्हें आयरिश, इटालियन और ज्यूइश समझा जाता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसेस, यूनाइटेड स्टेट सेंसेस मतलब 2000 जो में सेंसेस हुआ था, जो हम कहते हैं ना कि एक तरीके का सर्वे होता है, तो अमेरिका में जो सर्वे हुआ 2000 में, तो उसके अकॉर्डिंग 6,67,000
414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर्स एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो उसमें इतने लोग जो अमेरिका में रहते थे उसमें से 5 या 5 साल से ज़्यादा के लोग घर पे पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कि इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज बोलते हैं उसके 1.4% है। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और ये यूएस की 0.25% ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट, आज मंडे था और वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी, मतलब अपनी क्लास की सीट में प्रेजेंट नहीं थी। बट नोबडी इवन पेगी एंड मेडलिन द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस, पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया, ना पेगी ने ना मेडलिन ने, वो लड़कियां जिन्होंने ये सारा फन मतलब कुछ था जो उन्होंने शुरू किया था। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13, तो वो कहाँ बैठती थी, रूम नंबर 13 में लास्ट सीट में, जो लास्ट सीट होती है उसके साथ वाली सीट पर बैठती थी, ऑलमोस्ट होता है ना कि लास्ट सीट वहाँ बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट एंड द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर आर मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। तो वो रूम के एकदम कॉर्नर पे बैठती थी जहाँ पे जो रफ बॉयज होते हैं वो रहते हैं, मतलब जिनको पढ़ना नहीं होता, वो बस क्लास में ऐसे ही अटेंड करने आते, उनको मार्क्स भी नहीं लाने होते, वो वहाँ बैठती थी। वहाँ का सरफेस था वो काफ़ी रफ था, और जब भी कुछ क्लास में मजाकिया बात होती है, छोटी मोटी बात होती है, तो होता है ना कि सबसे ज़्यादा लोग हंसते हैं, वो वही कॉर्नर था, और काफ़ी डर्ट भी थी वहाँ पे, काफ़ी मिट्टी भी थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज़ अ रफ एंड नॉइजी, वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ़ और नॉइजी थी, मतलब वो भी वो ऐसी नहीं थी कि वो जैसे होता है ना कि शरारतें करने वाली और शोर मचाने वाली, वो ऐसी नहीं थी, फिर भी वो वहाँ बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि वो काफ़ी चुप रहने वाली और कभी कभार ही कुछ बोलती थी वो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसे ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल, कभी कभी लोगों ने उसे देखा है कि वो क्रूक्ड मतलब टेढ़ा सा फेस करके हंसती है, पर इतना सही स्माइल करती है, बस इतना ही करते हुए देखा था, इससे ज़्यादा हंसते हुए भी नहीं देखा उसे। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइट एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद डर्टी मड, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। किसी को नहीं पता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठती है, पर शायद इसलिए क्योंकि वो बॉगिंग हाइट से आती थी और वहाँ से आते आते उसके पैरों में इतनी सारी मिट्टी लग जाती थी कि वो सोचती कि मुझे पीछे बैठना चाहिए, और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि वो कहाँ बैठी है कैसे बैठी है, क्योंकि वो एक बार अपनी सीट पर बैठ जाती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। द टाइम वैन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। उन्हें वांडा कब याद आती थी, कब उसके बारे में सोचते थे, जब भी जैसे रिसेस का टाइम या स्कूल शुरू होने के टाइम जब होता है ना कि आप वापस क्लास की तरफ आ रहे होते हो, हंसते खेलते हुए बात कर रहे होते हैं ग्रुप बना के, तो उस टाइम उन्हें वांडा की याद आती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और वो कभी कभार वहाँ उसका वेट करते थे कि वांडा आएगी फिर हम उसका मजाक उड़ाएंगे। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, नेक्स्ट डे ट्यूजडे था और वांडा तब भी स्कूल नहीं आई और किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो एबसेंट है आज भी। बट ऑन वेनसडे पेगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डोंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मर्ड डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर, पर वेनसडे को पेगी और मैडी ने जो अच्छी थी पढ़ने में और काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते थे और आगे आगे बैठती थी, उन्होंने नोटिस किया कि जो पैरों के निशान थे, मिट्टी के पैरों के निशान थे जो क्लास में बन जाते थे वांडा आती थी, वो नहीं है और वांडा आई नहीं है स्कूल।
पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी. शी वॉज प्रिटी, शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. उसके बाल घुंघराले थे और वो काफ़ी सुंदर थी और उसके कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. और पैगी की सबसे क्लोज फ्रेंड कौन थी? मैडी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल. उन्हें वांडा के बारे में तब ध्यान आया जब उनके, क्योंकि वांडा ने उनको एक बार स्कूल में लेट कर दिया था. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडन्ट कम. क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि वांडा आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, पर वांडा आई नहीं और इस चक्कर में वो उसका वेट करते रहे और लेट हो गए. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर. वो हमेशा, कई बार ऐसा होता था कि वो उसका वेट करते थे कि वो आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. गो थ्रू इट अगेन. विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. रीड दिस क्वेश्चन आंसर एंड ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर इन द अबव पैसेज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.